क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 और रेखा वाई बराबर एक्स एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, आपके पास वृत्त का समीकरण दिया है। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना दिया है, 32 दिया है ना। तो यहाँ 32 दिया जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये 32 है ना, तो इसे मैं लिख देता हूँ कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4√2 का होल स्क्वायर, देख लो 4 का स्क्वायर 16, रूट 2 का स्क्वायर 2, 16 दूना 32 हो जाएगा। यहां से अगर y का वैल्यू निकालू तो रूट अंडर 4√2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना होगा जी। चलिए अब देखिए, मैं इसका फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, चलो ये आपका x हो गया, ये आपका x अक्ष, x डैश हो गया, y और नीचे y डैश हो गया। एक वृत्त हमें पहले खींचना होगा जिसकी त्रिज्या 4√2 है, ये हो गया वो आपका वृत्त। ठीक है, यहाँ का निर्देशांक होगा 4√2,0, यहाँ आ जाएगा 0,4√2, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मूल बिंदु हो जाता है। y बराबर x के लिए बात करेंगे तो y बराबर x के लिए यहीं चले जाएगा, इस तरह से एकदम बीचों बीच से जाएगा, या y बराबर x के लिए रेखा हो गया, y बराबर x के लिए। ठीक है, अच्छा, और x अक्ष, तो x अक्ष ये रहा, तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ही ना है ये वाला, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, पहले ये हमें पता करना होगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये चूंकि आप एक काम करो, इसमें चूंकि वाई बराबर में एक्स है, दूसरा समीकरण जो है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण वाई बराबर में एक्स है, तो मैं यहाँ वाई की जगह एक्स ही रख देता हूँ यहाँ पर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में ये आपका 32 था ना, ये आपका 32 था, चलिए 2x² बराबर में 32, ये जाएगा भाग में x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर प्लस माइनस 4, x बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4 पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा, x की जगह अगर 4 रखोगे तो y भी 4 आ जाएगा। देख लो, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 4 रखता हूँ तो y भी 4, तथा अगर x बराबर माइनस 4 रखता हूँ तो y बराबर भी माइनस 4 हो जाएगा। तो ये जो निर्देशांक है इसका 4-4 हो जाएगा, और इधर जो होगा -4-4 हो जाएगा। तो हमें इसी से मतलब है, यही वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, ये O मूल बिंदु, इसका निर्देशांक 0-0, यहाँ से मैं एक लंब खींच देता हूँ x अक्ष पे, यहाँ पे नाम देता हूँ A बिंदु, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,0। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे ना छायांकित भाग, इसी का क्षेत्रफल निकालना, इसका और इसका पूरे का। चलो इसका नाम देते हैं, यहाँ पे B दे देते हैं, यहाँ पे C दे देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस, सॉरी दो वो है ना इसमें, ये है और ये है, दोनों को जोड़ना होगा, ओ ए सी ओ प्लस में एरिया ऑफ ए बी सी ए, ओ ए सी ओ इसका और ए बी सी ए इसका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, चलो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना। तो पहला वाला गया है 0 to 4, और यह किसके द्वारा बना, इस रेखा के द्वारा, वाई के वैल्यू यहाँ एक्स है, प्लस दूसरा वाला जो है 4 से 4√2 तक गया है, 4 से 4√2 तक गया है, और किसके द्वारा बना है, इस वक्र द्वारा यानी वृत्त के द्वारा, और वृत्त में वाई का मान क्या है, रूट अंडर 4√2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 4 दिया है, प्लस यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाओ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो होता है एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4√2 का स्क्वायर
बटा में दो साइन इनवर्स एक्स बटा में चार रूट दो, और चार से लेके चार रूट दो तक यहां दिया है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चार रखोगे तो चार का स्क्वायर बट्टा दो और माइनस जीरो का स्क्वायर बट्टा दो, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, प्लस यहाँ देखो चार रूट दो रखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और देखो यहाँ पे ये बत्तीस होगा, बत्तीस में दो से भाग करेंगे तो सोलह, और गुना में साइन इन पर चार रूट दो रखेंगे तो कट जाएगा वन, साइन इन पर वन यानी पाई बाई टू, ठीक है। फिर माइनस अब की बार चार रखना है तो चार रखेंगे तो ये दो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा दो हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा, और यहाँ चार रखेंगे तो ये देखो रूट के अंदर जो आया है बत्तीस, यहाँ चार रखेंगे तो सोलह, घटेगा तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, घटेगा तो आपका सोलह, यानी सोलह का रूट चार हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो आपका यहाँ सोलह बट्टा दो यानी कि बत्तीस बट्टा दो यानी कि सोलह, और यहाँ पे चार रखेंगे, चार से चार करने जाएगा साइन में बस वन बाई टू यानी कि पाई बाई फोर, समझे ना बात को मैंने किस तरह से किया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ चार का स्क्वायर सोलह, सोलह में दो से भाग करेंगे तो आठ, ये जीरो हो गया, ये कटेगा आठ पाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आठ और यहाँ पे ये कटेगा चार में, चार पाई हो जाएगा ये, और ये कट जाएगा आठ पाई में चार पाई गया फोर पाई वर्ग इकाई, यहां से इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझ गए ना। चलिए चलिए अगला।